गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एट 7 द स्टेप इंस्टीट्यूट के द्वारा मुझे क्लास कंडक्ट करने का मौका मिला है और मुझे आशा है कि मैं बहुत ही भली भांति बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लास कंडक्ट करूँगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से साफ तरीके से आपको समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है दी स्टेप इंस्टीट्यूट, और आज के दिन, आज संडे के दिन ही हमने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, फटाक से उसे अभी शेयर कर दें सबके पास। और देखो बॉस, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल के वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो में हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और अगर वो वीडियो आप देख रहे हैं, आपके काम का वीडियो है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो बिना वक्त कमाए हम लोग जो है सो बताते हैं कि कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम लोग चैप्टर चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, जो कि क्लास 11 का है, और आज जो है सो हम लोग इसे ही पढ़ाने जा रहे हैं वेक्टर्स को, क्लास 11 का है। तो देखो, घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आवाज़ आ रही है ना मेरी बच्चों, आप लोगों के पास घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 15 से 20 मिनट का, मैक्सिमम जाएगा तो 25 मिनट का वीडियो जाएगा। हम लोग इसके 15 पार्ट बनाएंगे, 15 से 20 पार्ट, और एक वीडियो का पार्ट होगा 15 से 20 मिनट का। और ये आपका IIT से लेकर के JEE से लेकर के 12th के एग्ज़ाम से लेकर के पूरे ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉब्लम रहेंगे, उन सबको सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपका यहाँ पे आपका दोस्त, आप मुझे अपना भाई समझिए, आप मुझे अपना जो समझना है समझिए आप मुझे, मैं आपका यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आपके लिए बैठा हुआ हूँ। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ काम करें तो फटाक से इसे शेयर कर दें। तो हम लोग आगे चलते हैं कि बता देते हैं पहले हम लोग टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, हम लोग पहले क्या पकड़ेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इस इंटरवल का, पहले पार्ट का, उससे हम लोग आपको पढ़ाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज। भागना मत चैनल छोड़ के, सटे रहो, लगे रहो, अरे रहो, नारा सुना है ना। उसके बाद दूसरा वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ऑपरेटर प्लीज जूम इन द कैमरा। उसके बाद जो है सो वेक्टर्स स्केलर के बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्लीज फोकस मारो। हाँ बच्चों, वीडियो साथ साथ दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, अरे कमेंट करो यार, तुम लोग तो एकदम सोए हुए हो, सोना मत, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, कहावत याद है ना। ओके, तो बस इतने ही चीज़ों के बारे में हम लोग जो है सो आज आज के इस फर्स्ट क्लास में जो है सो पढ़ेंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों, लगे रहो, अरे रहो, अरे अरे हुए हो ना, अरे पक्का, अरे तो स्टार्ट करूँ मैं, अरे बोलो हाँ, अरे हाँ बोलूँ मैं, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं, शेयर कर दो, शेयर कर दो। पर डे हम लोग जो है सो इसका वीडियो जो है सो डालेंगे हर एक पार्ट का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, बताओ बच्चों, कमेंट करो। तो वेल, फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग ऐसे क्वांटिटीज को कहते हैं, फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी ले ले, या सॉलिड या लिक्विड या कोई भी, मतलब कि हम लोग जो है सो आगे चल के ले लेते हैं स्केल, रूलर्स, कंपास, कोई भी चीज़ हम लोग ले लेते हैं, तो उसे उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटीज। फिर से समझो, कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी, क्वांटिटीज का मतलब क्या, कोई भी क्वांटिटी, फिजिक्स में हम लोग कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं, या रूलर, कंपास, ज्योमेट्री बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, एयर, वाटर, फैन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, जो भी हम लोग ले लेते हैं, वो सब क्वांटिटीज होती है। तो इसी के अंदर, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर में आता है तीन पार्ट। पहले को हम लोग कहते हैं वेक्टर्स,
दूसरे को कहते हैं स्केलर्स और तीसरे को कहते हैं टेंसर्स। तो देखो सबसे पहले हम लोग वेक्टर्स या छोड़ो, सबसे पहले हम लोग स्केलर्स पे ध्यान देते हैं। अरे घर आया नहीं, अरे समझ में आ रही है ना? अरे पक्का? अरे बोलो जोर से। अरे मुझे पता है कि तुम लोगों को आवाज़ की प्रॉब्लम जा रही होगी, लेकिन चिंता मत करो, अगले वीक से जो है सो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है एक माइक का है, तो उससे आप लोगों की आवाज़ पूरी क्लियर जाएगी। बस 5 से 7 दिन आप लोग सब्र करो और चैनल छोड़ो मत। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस ले रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी एकदम अच्छी तरीके से IIT JEE मेंस कम्पिटिटिव एग्जाम प्लस 11 12 बोर्ड एग्जाम सब के माध्यम से इस वीडियो को बनाया गया है। चिंता मत करो, अरे रहो, लगे रहो और अरे रहो। चलो स्केलर्स पे आते हैं। अरे सो तो नहीं गए? अरे मत सोना। अरे पक्का बोलो। चलो बताओ स्केलर्स किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे मैं बहुत ही बेस से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें बेस से स्टार्ट करना है। हमें सब चीज़ आता है हम जानते हैं, लेकिन हमें बेस से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को समझ में आए और चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप लोग वॉल्यूम अप कर लेना थोड़ा, मैं जानता हूँ आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो चलो स्केलर्स पे आते हैं। बताओ, कमेंट करो जल्दी से जल्दी से, 5 मिनट के अंदर कमेंट करो फटाक से क्या होता है स्केलर्स। तब तक मैं बताता हूँ। ओनली मैग्नीट्यूड सच ए फिजिकल क्वान्टिटी विच इज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वान्टिटीज। तो देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। एक कॉपी पे नोट करते हुए चलना, यहाँ पे बाद में आप लोगों को साफ साफ दिखाई नहीं देगी, मैं यहाँ पे बहुत खचपच हो जाएगा, इसलिए आप लोग कॉपी पे नोट करते चलना। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? मतलब नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 ETC, ऐसा जो है सो नंबर हो गए। आ रही है ना समझ में आप लोगों को? अरे दिक्कत तो नहीं हो रही? अरे पक्का? अरे पक्का? चलो चलो देखो, अब और भी आप लोगों को क्लियर जाएगी इमेज। जा रही है ना? अरे पक्का बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो चलो चलो, न्यूमेरिकल वैल्यू समझ गए? 1 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं उसे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है नंबर। 1 2 3 4 जितने भी नेचुरल नंबर और नंबर, इवन नंबर, निगेटिव नंबर, जितने भी इंटीजर्स, जितने भी नंबर है, वो सबको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। स्केलर्स का आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर कहा जाए कि ऐसा क्वांटिटी का नाम बताओ, ऐसा कोई चीज़ का नाम बताओ फिजिकल क्वांटिटी का, जल्दी से फटाक से बताना। आप लोग भी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नीट्यूड हो, ऐसा एक एग्जाम्पल दो। तो क्या दोगे एग्जाम्पल? मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, लेकिन हमें बेस से स्टार्ट करना है। फटाक से आप लोग आंसर दो जल्दी से, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एग्जाम्पल लिखने, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एग्जाम्पल इस क्लास का। अरे सोना मत, अरे सो तो नहीं गए? अरे सो तो नहीं गए? जगह रहो जगह रहो, बहुत तो ही पढ़नी है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। बस 20 से 25 मिनट मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, और पार्ट 1 का ये वीडियो बनने जा रहा है। आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इस पे अड़े रहना, गड़े रहना और इससे हिलना मत। चलो इसका एग्जाम्पल देख लो। ए बस मूविंग विथ दी स्पीड ऑफ 40 km पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अरे समझ गए इसे? देखो इसमें यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? है कि नहीं है बताओ जल्दी। तो बस, तो ये जो है सो आपका क्या हो गया? स्केलर्स हो गया आपका। अरे समझ में आई? अरे पक्का? अरे जोर से बोलो, अरे सब लोग बोलो। यार यहाँ पर जय माता दी नहीं बोलना है, यहाँ पे बोलना है समझ में आया कि नहीं आया? चलो आया समझ में? फिर से समझो, स्केलर्स ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि 1 2 3 4 जितने भी नंबर हो गए उसे हम लोग न्यूमेरिकल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर बराबर। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, आपको कुछ भी इसमें नहीं मिलने जा रही है। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं अब वेक्टर्स पे। सुना मत, सुना मत, जगह रहो जगह रहो। आपका भाई यहाँ पे पढ़ा रहा है, आपके लिए पढ़ा रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग पूछ रहे हो कि सर अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं अपना दिखाऊंगा, फेस भी दिखाऊंगा आने वाले समय में, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलो फैक्टर्स पे आते हैं। फैक्टर्स किसे कहते हैं जिसमें बोथ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो?
मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना क्या होता है? मैग्नीट्यूड यही होता है नंबर, और डायरेक्शन क्या होता है? दिशा। दिशा कौन, क्या क्या दिशा है मुझे पता है, आप लोगों को पता है, जल्दी से बता दो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही दिशा है, और इसी को हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। तो वैसी कोई भी क्वान्टिटी जिसमें डायरेक्शन हो प्लस मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दो जल्दी से, फटाक से एग्जाम्पल दो, जल्दी दो, जल्दी दो। चलो मैं देता हूँ, बस वाला ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर आप लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। ए बस मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट, ये एट है, एट, एट का सिंबल है, एट द रेट लिखते हो ना जीमेल पे अकाउंट बनाने के समय, तो ही एट है, एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ गए, अरे जल्दी से बोलो, अरे ज़ोर से बोलो, अरे पक्का, अरे समझ गया ना। चलो फिर से समझो, वेक्टर्स किसे कहते हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। डायरेक्शन किसे कहते हैं? दिशा को। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट क्या है? आपका डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं वो सब न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, वही जो है सो आपका मैग्नीट्यूड है। इसका एग्जाम्पल भी दे दिए हैं एक, ए बस मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें देखो ये नॉर्थ क्या बता रही है आपको, ये नॉर्थ आपका डायरेक्शन बता रही है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या है आपका, तो ये जो सो आपका मैग्नीट्यूड है। तो देखो इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये स्केलर है कि वेक्टर है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ वेल, वेक्टर है, मुझे पता है कि आप लोगों को आ रहा है, आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बेस से समझो, पूरी समझ में आएगी। आप लोग इस पे अड़े रहो, इससे हिलना मत, कोई किसी पे भटकना मत, आपको बस इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, और जल्द ही जो साउंड की प्रॉब्लम है वो जल्द ही दूर की जाएगी। मुझे बस कुछ अभी चैनल लॉन्च हुआ है, आप लोग सब्सक्राइब करो, मेरा मनोबल बढ़ाओ, मैं आपका मनोबल पूरा गर्व से ऊँचा करवाऊँगा, यह मेरा वादा है, द स्टेप फॉर द फ्यूचर कोचिंग इंस्टीट्यूट का वादा है। चलो आगे, बहुत सारे आते होंगे, बहुत सारे ऐप आते होंगे, एप्लीकेशंस आते होंगे, बहुत सारे वीडियोज आते होंगे, जिस पर आपको बस एक दिन डेमो दे दिया जाएगा, और उसके बाद कहा जाएगा कि इसमें सब्सक्रिप्शन करवाइए, मतलब कि आपको पैसा दे कर पढ़ना होगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स दोस्तों, यह बिल्कुल मुफ्त का है, यह जितनी भरपूर फायदा उठाना है उठा लो, आप कमेंट करो आपको जो दिक्कत है, और मैं प्रॉमिस बार बार आपसे कर रहा हूँ, आप वीडियो को देखो, जहाँ समझ में नहीं आई वहाँ पे कमेंट करो, आपके सारे प्रॉब्लम दूर नहीं किए गए तो आप चैनल ब्लॉक करवा देना, मैं खुद चैनल ब्लॉक करूँगा, आप इस पर आप आके इस पर रिपोर्ट करना चैनल पर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप जो बोलोगे सो मैं करूँगा, बस सपोर्ट कर दो स्टूडेंट्स, बस सपोर्ट करो। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या है, एक और आता है टेंसर्स। ए 11 बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जानने की जरूरत नहीं है, TENSORS टेंसर्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ IIT JEE लेवल के कारण। देखो टेंसर्स किसे कहते हैं? टेंसर्स वैसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ उपजा, बच्चों जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, हाँ चलो, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर्स, सच अ फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ पे पी क्यू लिखा है, तो सच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज टेंसर्स। तो आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको रफ नॉलेज के लिए आपको बता दिया है टेंसर्स किसे कहते हैं। तो वैसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वैसी कोई भी वस्तु जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, लेकिन वो वेक्टर का लॉ अप्लाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर में भी दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होते हैं, और टेंसर्स में भी दोनों होते हैं, लेकिन टेंसर में और वेक्टर में डिफरेंस यही है कि टेंसर जो है सो वेक्टर का लॉ फॉलो नहीं करती, और वेक्टर जो है सो टेंसर की लॉ फॉलो नहीं करती। अरे सोना मत, जगे रहना। अरे सो तो नहीं गए? अरे पक्का? अरे समझ में आ रही है ना? अरे पक्का? अरे लाइक करो, बताओ यार समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
अरे आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, आप मुझे फ़ोन करके पूछो और कोई भी दिक्कत आ रही है तो। अरे सोए तो नहीं गया ना? अरे झगड़ा तो नहीं करने लगे बहन से? अच्छा एक बात बताओ, झगड़ा करते हो बहन से? हाँ करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, मम्मी से भी थोड़ी थोड़ी झगड़ा कर लेना चाहिए, लेकिन पापा से कभी झगड़ा मत करना, ही तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा, है ना? तो चलो इंटरेस्ट ला ला के पढ़ाना। देखो एक कला होती है इंटरेस्ट ला के पढ़ाने की, और जितना मैं इंटरेस्ट लाऊंगा उतना आप उतने ही आपको इंटरेस्ट आएगी। तो इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद, बस 5 से 7 मिनट आप लोग और रुकिए, देखिए पार्ट वन का वीडियो समझिए, पार्ट टू अगले दिन अपलोड होगा। अब हर एक पार्ट पर डे अपलोड हम लोग करेंगे, आपको बस इस पे अड़े रहने की ज़रूरत है, गड़े रहने की ज़रूरत है और खड़े रहने की ज़रूरत है। हम लोगों को हौसला बढ़ाइए, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों को। आप लोग मेरे भाई हैं, आप लोग मेरे दोस्त हैं, आप लोग मेरे सगे संबंधी हैं, आप लोग भारतवासी हैं, इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। चलो आगे देखते हैं, फिर से एक बार समझा देता हूँ। स्केलर्स किसे कहते हैं? तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, प्लस प्लस बताओ जल्दी क्या हो प्लस? मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने, मैं जैसे ही प्लस बोला हूँगा वैसे ही बहुत बच्चों ने डायरेक्शन बोल दिया होगा, मन में सोच लिया होगा, लेकिन को माइंड को कंसंट्रेट करो। देखो माइंड को कंसंट्रेट करके रखोगे ना तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ आपसे हासिल हो पाएगी। तो देखो स्केलर्स में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? NUMERICAL मतलब क्या है? नंबर। नंबर किसे कहते हैं? मुझे पता है आप लोगों को जब पता है, लेकिन हमें बेस से पढ़ाना है। तो नंबर 1 2 3 4 5 को कहते हैं, 5 नहीं उसके आगे को भी कहते हैं नंबर, इनफाइनाइट को, 1 से लेके 0 से लेके माइनस से लेके पूरी इनफाइनाइट को हम लोग नंबर कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर यूज हो। इस क्वान्टिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर्स क्वान्टिटी कहते हैं। जैसे कि ए बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एक बस जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि टुवार्ड ईस्ट टुवार्ड वेस्ट, कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये आपका स्केलर हो गया। वेक्टर किसे कहते हैं? तो देखो वेक्टर्स हम लोग कहते हैं जिसको बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। डायरेक्शन का मतलब क्या है? दिशा। दिशा को क्या होता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट ईस्ट साउथ। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लटपटा के बोल दिया, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे कि कौन सा डायरेक्शन सही है कौन सा गलत है, लेकिन मेनली यही 4 डायरेक्शन जो बताया और प्लस मैग्नीट्यूड बताया, मतलब क्या? यही माइनस इनफाइनाइट से लेके और प्लस इनफाइनाइट के बीच का जो नंबर बताया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, चलो अपने मन में सोचो, चलो 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 अपने मन में सोचो, 5 सेकंड देता हूँ, गिनता हूँ 5, आप लोग अपने मन में सोचो वेक्टर्स और टेंसर दोनों के बारे में, 5 गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। चलो मैं बताता हूँ फिर से, ध्यान दो, अरे ध्यान दो, अरे समझ में आ रही है ना? अरे पक्का बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, अरे मैं भी बोला तुम भी बोलो, बोलो जल्दी बोलो, कमेंट करो कमेंट करो, चलो 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 कमेंट करो जल्दी, मैं समझाता हूँ फिर से, ध्यान दो, वॉल्यूम अप कर दो थोड़ा, वॉल्यूम की प्रॉब्लम अगले वीक से ख़त्म हो जाएगी। वेक्टर्स किसे कहते हैं? तो जिसमें बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। डायरेक्शन किसे कहते हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? नंबर को। तो इसका एग्जांपल देख लो, ए बस मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन का यूज़ किया गया है, जबकि पहले एग्जाम्पल में कॉन्ट्रास्ट करो इसमें मिला हो तो इसमें किसी भी डायरेक्शन का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरी नंबर बात, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का प्रयोग किया गया है, नंबर का यहाँ पे किया गया है प्रयोग नंबर का। तो देखो इसमें दोनों का प्रयोग किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये स्केलर हो गया या वेक्टर हो गया, क्योंकि हमारा लॉ क्या बोलता है कि वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, जबकि स्केलर उसे कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। टेंसर को समझो, ध्यान से समझो, गौर से समझो, अड़े रहो गड़े रहो, कहीं भागना मत। देखो टेंसर किसे कहते हैं? अच्छा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करना, ठीक ना? शायद कमेंट का ऑप्शन बंद कर दिया गया है मेरे चैनल के ओर से, लेकिन हम लोग, हाँ मैं कोशिश करूँगा उसे खुलवाने की, ओके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंसर्स किसे कहते हैं? सच फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे खुद समझ जाएंगे, हिंदी हमारी राष्ट्र मातृभाषा है, राष्ट्र की भाषा है और इसे हमें बनाए रखना है। चलो टेंसर्स वैसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं
जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, लेकिन लेकिन क्या हो, वो वेक्टर को फॉलो नहीं करती हो। क्यों? क्योंकि वेक्टर में भी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होती है। और अगर हम लोग सीधे लिखते हैं कि टेंसर्स में कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तब तो ये वेक्टर होता, तब तो होता यही कि वेक्टर इज इक्वल टू टेंसर। लेकिन टेंसर में यही एक डिफरेंस है कि वो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करती है। चलो आगे, लास्ट टॉपिक, बस तीन तीन मिनट और देख लो, तीन मिनट, तीन से पाँच मिनट और देख लो। अगली टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, मान लो कि ए जो है सो वेक्टर ए है, ओके, और ए जो है सो वेक्टर बी है, ठीक। तो पहले एक चीज समझो, इसको हम लोग कहते हैं ए वेक्टर का जो है सो, ए जो है ना, ये जो लिखाया क्या है, ए तो ए है, ए क्या है, अल्फाबेट है, और इसके ऊपर जो है इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। देखो वेक्टर ए लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसके जगह हम लोग सिर्फ ए लिख के ऊपर में एक एरो डाल देते हैं। ये एरो हमेशा जो है सो ईस्ट डायरेक्शन में ही रहेगा, इसे और कोई डायरेक्शन में मत करना है तो गलत हो जाएगा। इसे मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सपैंड करके कर दिया हूँ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, टेल कहते हैं, और बीच में जो है वो बताती है लंबाई, लेंथ बताती है, कितना लंबा कोई भी वस्तु है। तो यही जो सो वेक्टर का सिंबल है। और अगर हम लोग जो है सो बताएंगे, हम लोग मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर, लेकिन अभी जो है सो इस पार्ट में मैं सिर्फ बताता हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखो ये मान लो कि वेक्टर ए है, और इसे मान लो वेक्टर बी, ये जो है इमेज, इसे मान लो वेक्टर बी, और इस वेक्टर को मान लो वेक्टर ए, और इस अगर वेक्टर दोनों को अगर ऐड करते हैं तो बताऊंगा वह नियम, घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे समझ लो। और मैं आगे बताऊंगा अगले पार्ट में, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो वेक्टर ए ए हो गया, और वेक्टर बी जो है सो ए हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इस दोनों के बीच में यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो फिर से समझो, समझ में आई कि नहीं आई, अरे नहीं आई ना, नहीं आई तो फिर से समझो। देखो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, से हम लोग को ऐड करना है। चलो ए वेक्टर ए हो गया, और इस वेक्टर को मान लो वेक्टर बी हो गया, यहाँ पे जो छोटी सी कोण बनती है, अरे देखो मान लो कि ए वेक्टर एक है, ये मेरा इस उंगली को मान लो वेक्टर ए, और इस उंगली को मान लो वेक्टर बी, इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, दोनों इतना बितर हैं, अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ऐसे यहाँ से ऐड ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, ऐड तो कैसे भी तो होगा ना, तो ऐड अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये देखो यहाँ पे एक बीच में एक जो कोण बन रही है, इसे ही क्या कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एक बार मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वैसे जैसे जूम इन कर दें, सॉरी जूम आउट कर दें, जिससे आप लोग इसे जो भी कुछ उतारने चाहें आप लोग इसमें से उतार सकते हैं, ओके। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का पार्ट वन का वीडियो जो है सो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होती है। और देखो मैं आपसे बार बार प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बस मेरा साथ दो, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाऊँगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। अभी चैनल न्यू है, मैं जानता हूँ मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप है तो फिर क्या गम है। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म करता हूँ। एक बार पोर्ट्रेट मोड, यस, एक बार पोर्ट्रेट मोड में आपको दिखा देता हूँ पूरे नोट्स। हाँ, और एक नोट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि जो नोट्स है, नोट्स आप दी स्टेप फॉर द फ्यूचर, आप लोग जो है सो सर्च मारिएगा, या जो ऊपर में लिखा हुआ है सबसे ऊपर में देखिए एट सेवन दी स्टेप इंस्टीट्यूट या एट सेवन दी स्टेप ऑफिशियल, उस पेज पे, फेसबुक पेज पे मैं हम लोग जो है सो अपलोड कर देंगे इसका नोट्स, पूरे वेक्टर्स का नोट्स हम लोग उस पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उस पर से ले सकते हैं।
चलो पार्ट वन का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ की प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि 7 दिन के बाद हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, ये बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। चलो धन्यवाद दोस्तों।